तो वीर आज हमारे पास लैपटॉप है एचपी का 2000, आप इसका मॉडल भी देखेंगे और वीर हमारे पास इसमें प्रॉब्लम ये है। तो वीर आप इसकी ये साइड देख रहे हैं, बिल्कुल इसकी ये टूट के अलग हो चुकी है। ये जो सिस्टम इसके अंदर लगा होता है ये पूरा बाहर आ गया है। तो वीर अगर आपके लैपटॉप में ये इशूज आ जाए तो आप इसको किस तरह सही कर सकते हैं, तो वीर आज मैं अपनी वीडियो में आपको ये बताऊँगा। तो वीर आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो वीर शुरू करते हैं इसको खोलना। हम सबसे पहले हम इसको फोल्ड कर देंगे क्योंकि हमने इसके सारे नीचे से स्क्रू खोलने हैं। तो और आप देखेंगे इसकी यहाँ से कंडीशन तो ये कितना ख़राब है। तो ये सबसे पहले इसकी ये कवर यहाँ से रिमूव कर लेंगे हम और बैटरी भी इसकी रिमूव करेंगे हम। और ये जो इसका कवर है इसको भी रिमूव करेंगे हम। आप भी देख सकते हैं दोनों कवर इसके रिमूव हो गए हैं। अब इसके सारे स्क्रू खोलना शुरू करेंगे हम। तो फिर स्क्रूज के सारे खुल गए हैं, अब इसके फ्रंट पे आ जाएंगे हम। फ्रंट पे आने के बाद इसका कीबोर्ड रिमूव करेंगे। कीबोर्ड किस तरह रिमूव होगा, आपको ये जगहें नज़र आ रही हैं, यहाँ से इसको पुल करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो फिर आप ये देखेंगे कीबोर्ड इसका बाहर आ चुका है। और कीबोर्ड के आने के बाद इसमें से हम इसकी स्ट्रिप रिमूव करेंगे। स्ट्रिप किस तरह रिमूव होगी, जस्ट इसको आप ओपन करेंगे और इसमें से निकाल लेंगे। और व्यूअर इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी डस्ट है, जब हम इसको बंद करेंगे तो हर चीज़ क्लीन करेंगे इसकी। और फिर उसके बाद ये आपको स्क्रू नज़र आएंगे, यहाँ सारे स्क्रू हम ओपन कर लेंगे क्योंकि हमने ये कवर निकालना है इसका। तो फिर स्क्रू ये सारे रिमूव हो गए, अब इसका ये कवर रिमूव करेंगे हम। कवर को जस्ट इस तरह यहाँ से खोलते हुए लाएंगे हम। और फिर ये देख सकते हैं कवर हमारा ऑलमोस्ट रिमूव हो गया है। इसके अब ये जो जैक है इसका ये भी टाइम से रिमूव करेंगे हम। इसको पहले थोड़ा लूज कर लेंगे हम, उसके बाद इसको यहाँ से ओपन करेंगे। करने के बाद इसको यहाँ से हम निकाल लेंगे इस तरह। और अभी इसमें सिर्फ ये माउस का रह गया ही है ग्रिप, ये भी निकाल देंगे हम। तो फिर आप देखेंगे कि ये हमारा जो कवर है इसका ये रिमूव हो गया है इसमें से, इसको हम हटा देंगे अभी। और तो फिर हमारा ये जो लॉक टूटा है अगर आप देखेंगे तो ये इधर से टूटा है। तो फिर इसके मज़ीद खोलने के लिए इसकी एलसीडी अभी इसमें से हम अलग कर देंगे। एलसीडी अलग करने के लिए ये स्क्रू हैं, ये खोल देंगे हम। ये स्क्रू खुल गए तो अब आप देखेंगे एलसीडी हमारे यहाँ से इस तरह अलग हो जाएगी। लेकिन इसको अलग करने के लिए इसकी स्ट्रिप हम निकाल देंगे पहले। ये एलसीडी की स्ट्रिप मैंने निकाल दी है, यहाँ से इसकी वाईफाई भी निकाल देंगे। तो फिर अब इसके यहाँ पे बैक पे चले जाएंगे हम। और आप बैक पे देखेंगे तो ये इसका वायर है वाईफाई का, ये यहाँ से निकाल देंगे हम। तो आप देख सकते हैं एलसीडी अभी इसमें से हमारी अलग हो गई है बिल्कुल। ये कुछ टूटे हुए पार्ट्स इसमें से निकले हैं, इनको हम देखेंगे मज़ीद क्या कर सकते हैं। फिर इसको लगाने के लिए हमें इस मदरबोर्ड को भी इसमें से निकालना पड़ेगा क्योंकि मदरबोर्ड के नीचे ये लगेगा।
अब ये लास्ट एक जैक है, इसको भी रिमूव करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये सीडी रोम का है, ये जस्ट इसमें से इस तरह इजीली निकल आएगा। तो वेर ये मदरबोर्ड हमारा अलग हो गया, मदरबोर्ड को हम अलग कर देंगे अभी। और जो हमारा काम है वो इस साइड पे है। वेर हिंजिस को हमने खोल दिया, और ये हिंजिस हमारा यहाँ पे किस तरह लगा होता है उसको इस तरह हम लगाने की कोशिश करेंगे। तो फिर आप देखेंगे ये कुछ इसमें इस तरह लगना है, और ये एलसीडी इसके ऊपर यूँ आ जाएगी और इसके नट टाइट हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें इसके नीचे ये जो बुश इसके निकल गए हैं ये वापस लगाने पड़ेंगे एलपी या मैजिक से। तो फिर पहले हम ये लगा लेते हैं। तो फिर ये दोनों अभी हमने बैठा दिए हैं कच्चे इसके अंदर, क्योंकि जब इसकी एलपी सूख जाएगी तो फिर इस पर हम पूरी मैजिक लगाएंगे। तो हम लगाना शुरू करेंगे, और लगाएंगे एहतियात से, नट के अंदर ना जाइए। तो वीर आप देख सकते हैं मैजिक हमने अच्छी तरह इस पर लगा दी है। अब हम इसको ड्राई होने का वेट करेंगे 5 घंटे, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर फिटिंग स्टार्ट करेंगे। तो वीर आप देख सकते हैं मैजिक हमारी इस पर लगा दी थी हमने, और 5 आवर्स गुजर चुके हैं और ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। तो वीर अब हम इसकी फिटिंग स्टार्ट करेंगे अपने लैपटॉप की, इसको अच्छी तरह ड्राई होने के बाद। तो वीर इसको हम इसमें से खोलेंगे जो हमने पहले लगा दिए थे इसके अंदर। तो वीर सबसे पहले इसमें हम अपनी एलसीडी बिठाएंगे, एलसीडी की हमारी पट्टी है, इसको हम पहले अपनी जगह पे प्लेस कर देंगे जहाँ इसने आना है। तो वीर अब इसकी एलसीडी इस जगह पे प्लेस कर देंगे हम। तो वीर ये जगह पर आ गए हैं, इसके 2 स्क्रू पहले हम लगा देंगे, और इस स्क्रू को अच्छी तरह टाइट कर दिया है, और इस साइड के स्क्रू भी हम लगा देंगे। तो फिर ये स्क्रू हमारे लग गए हैं। तो फिर एलसीडी इसमें फिटिंग करने के बाद अब हम इसका मदरबोर्ड लगाएंगे। बोर्ड इसका ये आ गया है, इसको मैंने क्लीन कर लिया था अच्छी तरह। और लास्ट में इसकी बैटरी रह गई है, ये भी लगा देंगे हम। तो भी और फाइनली लैपटॉप हमारा रेडी हो गया है। अब आप देख सकते हैं ये इजीली ओपन हो रहा है और ये इजी बंद हो रहा है। तो आप देखेंगे जो हमने रिपेयर किया है सेक्शन, वो इसमें ये वाला है, इसको हमने मैजिक से अच्छी तरह लगा दिया है। और यहाँ का कवर मिसिंग था, जो ये कवर यहाँ हमारा लगा हुआ है, इस तरह का कवर यहाँ मिसिंग था, तो इसलिए यहाँ का कवर नहीं है। और वीर इसको हमने अच्छी तरह क्लीन कर दिया है, पॉलिश कर दिया है। तो वीर आप देखें लैपटॉप का क्या लुक आ रहा है। तो वीर अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो वीर आज तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।